पुरुष लेंगे बागी 4 में एंट्री, क्या हमें फिर से नजर आएगी दोनों भाइयों की कहानी। नमस्कार दर्शकों, मैं करती हूँ आप सभी का स्वागत बॉली ग्राड स्टूडियोज पर। आज हम बात करने वाले हैं साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म बागी की। जी हाँ, अब भाई टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो उन्होंने बागी ना देखी हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। साल 2016 में रिलीज हुई बागी को डायरेक्ट किया था सबीर खान ने और इस फिल्म में हमें मुख्य रूप में नजर आए थे टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर। फिल्म हिट हुई थी और ऑडियंस पे जादू चलाने में कामयाब हुई थी। इसी के बाद साल 2018 में फिल्म का सीक्वल आया जिसमें हमें मुख्य रूप में नजर आए टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी। वो फिल्म भी हिट हुई और फैंस वापस से दीवाने हो गए टाइगर श्रॉफ के। इसके बाद आया फिल्म का तीसरा पार्ट। जी हाँ दोस्तों, इस तीसरे पार्ट में मुख्य रूप में हमें फिर से टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर नजर आए। उन्हीं के साथ साथ रितेश देशमुख और अंकिता लोखंडे भी थे इस फिल्म में। इस फिल्म की कहानी दो भाइयों के अराउंड रिवॉल्व करती है और दोनों भाई एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन जिंदगी के चलते कहीं पे उनके रास्ते अलग हो जाते हैं और तभी से इनकी अलग अलग कहानियां शुरू हो जाती हैं। इस प्लॉट को फैंस ने बहुत पसंद किया था और इनकी जोड़ी को भी फैंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। भाई अब खबरें आ रही हैं बागी 4 की। ऐसा सुनने में आया है बागी 4 में टाइगर श्रॉफ के साथ हमें दिखाई देंगी सारा अली खान, लेकिन अब देखना यह है क्या बागी 3 की स्टोरी कंटिन्यू की जाएगी बागी 4 में। अब भाई अगर बागी 4 में कंटिन्यू की गई तो श्रद्धा कपूर रिप्लेस कर सकती है सारा अली खान को। खैर अब जो होगा वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे यही इसी चैनल पर। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।